नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ प्री मैच्योर एजिंग के बारे में। प्री मैच्योर एजिंग क्या होती है? जैसे एजिंग होती है कि बुढ़ापे का आना, पर प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है? जैसे बुढ़ापा कब आता है? 40 के बाद, पे 50 के बाद, मान 40 तक कुछ नहीं होता, 50 के बाद आपको ओल्ड एज जैसा सिम्टम आने लगता है, आप ओल्ड दिखने लगते हैं। पर कुछ लोगों में यही चीज 25 साल में, 35 साल से, 30 साल से पहले ही हो रही है, 18 साल में वो ओल्ड लग रहा है, कई तो छोटे बच्चे भी ओल्ड लग रहे हैं। उस टर्म को हम बोलते हैं प्री मैच्योर एजिंग। क्वेश्चन ये उठता है, क्या प्री मैच्योर एजिंग को रोका जा सकता है? क्या हम 50 के बाद भी जवान दिख सकते हैं? आंसर है यस, प्री मैच्योर एजिंग को रोका जा सकता है। प्री मैच्योर एजिंग क्यों होता है? देखो, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपने पिक्चर भी देखी होगी प्रोजीरिया नाम से एक डिजीज के ऊपर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और भी बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आदमी समय से पहले ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे मैं बताता हूं, अगर आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट है, विटामिन डी डेफिशिएंट है, प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो आपके चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियां जल्दी आएगी। या आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो बैड हॉर्मोन्स आपके अंदर सिक्रेट होते रहते हैं, तो उससे भी आप में बुढ़ापा जल्दी आएगा। या फिर आप यूवी रे, सनलाइट के एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं, तो भी ओल्ड एज जल्दी आ जाता है। उसके अलावा या तो आप बहुत ज्यादा हंसते रहते हैं, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस करते हैं, तो चेहरे पे रिंकल जल्दी आता है। ठीक है, तो ये भी एक बुढ़ापे का साइन है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, खाली पेट रहते हैं, मील्स स्किप कर देते हैं, तो भी आप में ओल्ड एज, बुढ़ापा आ जाता है। या कुछ केसेस में मैंने बताया था जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर ओल्ड एज प्रीमैच्योर एजिंग का कारण होता है कुछ लोगों में, जैसे शुगर का, डायबिटीज का होना, या ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि गठिया रोग का होना। ठीक है, तो उनमें भी बुढ़ापा जल्दी आता है। तो अगर आप बीमारी से ग्रस्त हैं, या लाइफ स्टाइल आपकी बेकार है, या आप एल्कोहलिक है, स्मोकर है, तो भी आप में बुढ़ापा जल्दी आता है। आप देखेंगे जो आपके एज ग्रुप के 40 साल के लोग हैं, वो आपसे ज्यादा जवान लग रहे हैं, पर आप ओल्ड हैं। एज कम्पेयर टू आप 35 साल के, ये तो भी बहुत बूढ़े लग रहे हैं। उसका कारण है प्री मैच्योर एजिंग। तो उसका कॉज रूल आउट किया जाता है। तो क्या इसको क्योर किया जा सकता है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? आप जैसे कहते हैं बुढ़ापा तो सबको ही आना है, पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 60 साल की उम्र में भी आपको 26 साल के लगेंगे, 30 साल के लगेंगे दिखने में, और एकदम यंग। तो वो भी चीजें पॉसिबल है। पर आपके साथ क्या हो रहा है प्री मैच्योर एजिंग में, कि आप तो 25 साल में ही 60 साल के लग रहे हैं, या 50 साल के लग रहे हैं, या आप हैं 20 साल के, लगते हो 35 साल के। तो इस टर्म को हम बोलते हैं प्री मैच्योर एजिंग। इसको रोका जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे बॉडी चेकअप है, वो जरूरी है। उसके अलावा अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो रूल आउट करना जरूरी है। जेनेटिक टेस्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपका लाइफ स्टाइल देखना है, स्मोकर तो नहीं है, एल्कोहलिक तो नहीं है, कहीं आप मालनरिश्ड तो नहीं है, तो इन सब चीजों पे कॉज को देख के फिर इसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। यंग रहने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे सन एक्सपोजर थोड़ा कम हो, बहुत ज्यादा नहीं, वो भी जरूरी है पर लिमिटेड। उसके अलावा हाइड्रेशन अच्छा हो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। या फिर आपके फ्री रेडिकल्स जब टूटते हैं, तो आप जल्दी जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। या फिर कुछ पेशेंट कैंसर से ग्रस्त होते हैं, वो भी ओल्ड एज लगने लगते हैं, या डायबिटिक है, या फिर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उसको कंट्रोल में रखना है। कई बार स्टीरॉयड्स टाइप की दवाइयां लेने से भी आप समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। कई लड़कियां हैं, तो लड़कियों के चेहरे पे बाल आने लगते हैं मेडिकेशन से। तो ध्यान रखना है, ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे जिससे आप जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, जल्दी आपका उम्र बढ़ता जा रहा है, हड्डियां पोली हो रही है, आपसे चला नहीं जा रहा है, मसल वीक हो रहा है, आपके कंधे झुक रहे हैं, आपके शोल्डर झुक गए हैं, आपका फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, तो वो सारी चीजें जरूरी है। चेहरे का वो मसाज जरूरी है, आप जेंटली वॉश कर सकते हैं फेस को, क्रीम्स आप लगा सकते हैं, उसके अलावा बोन्स के लिए न्यूट्रिशन ले सकते हैं। आप सुंदर कब दिखते हैं? जब आपके चेहरे पे थोड़े फैट्स होते हैं, थोड़ा मसल होता है। अगर फैट्स मसल नहीं है तो आप ओल्ड लगेंगे। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पीनेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आप यंग लगेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यंग रख सकती है। अगर आपको भी और सफेद बाल हो गए हैं, दाढ़ी सफेद, मूछे सफेद, चेहरे पे झुर्रियां,
हाथ पैर में झुर्रियां पड़ रही है, रिंकल्स हाथ पे दिख रहे हैं, तो उन चीजों को भी क्योर किया जा सकता है। ये सब चीजें क्योरेबल है। तो हाँ, और आप चाहेंगे लंबे समय तक जवान रहे। अब आप देखेंगे सेलिब्रिटीज को बहुत एज होने के बाद भी वो काफी गुड लुकिंग होते हैं, हीरो बनते हैं, फाइट भी कर रहे हैं मूवी में, हीरोइन के साथ डांस भी कर रहे हैं, तो वो इतने फिट क्यों है, यंग क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, बैड हैबिट्स को अवॉइड रखते हैं। तो ये सारी चीजें, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ प्रीमैच्योर एजिंग है, आप समय से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाए, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें कि आप जवान कैसे रह सकते हैं। थैंक यू। और पॉसिबल है जवान रहना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। धन्यवाद।